नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर और मेरा वेबसाइट www.stocktradingadvisor.wordpress.com में डिस्प्ले करता हूँ, उसी का थ्रू में मैं रेगुलर व्यू देता हूँ और कुछ एडुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस कुछ शेयर करता हूँ। उसी को फिर से सोमवार 17 तारीख के लिए व्यू देता हूँ। फर्स्ट मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी मैंने सेल साइड में देखा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी को आप लोग स्क्रीन कर लेंगे तो कोई भी सेटअप आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप लोग को फेवरेबल दिखाएगा। प्रोबेबिलिटी 3 को फर्स्ट कीजिए, तो 2 को कीजिए, 1 को कीजिए। उसके बाद इधर आइए, जो लीनियर रिग्रेशन है उसको देखिए, ये सब तीनों टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। और LTP लिस्ट पर मूविंग एवरेज का नीचे है, और इतना मैंने LTP को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, LTP को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पिनिंग हो जाएगा, प्लस ये मूवमेंट भी ज़्यादा होता है इंट्राडे में, 100 के ऊपर जो रहता है। और देखता है ये में 8 क्रॉस ओवर हो जाए, हो गया 8:20 हो गया, ये में 9:16 हो गया, और चैनल का मिड बैंड का नीचे है। इधर से स्क्रीन कर लेते हैं, इधर से भी थोड़ा सा स्क्रीन कर लेते हैं। और देखिए इसको रहते हैं, और ठीक है इसको भी स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, ये तीनों का लेवल। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल है नेक्स्ट डे के लिए, ये आप नोट कर सकते हैं। और मैंने देखिए इधर चार्ट एस बैंक का दिया हूँ, एस बैंक का जो आया है तो इसको देखिए, चार्ट में मैंने कुछ देखिए लिस्ट पर मूविंग एवरेज दिया हूँ, ये देखिए लिस्ट पर मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, और देखिए मैंने बोलिंजर परसेंटेज भी को लगाया, थोड़ा सा ओवरशॉट सिचुएशन से ऊपर जा रहा है, CCI भी थोड़ा सा ओवरशॉट सिचुएशन से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव होने का ही चांस ज़्यादा है। ये ट्रिक्स लगाया, और ऐसे ये है नोसियो थिंग का इंडिकेटर, ये लगाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग को समझाना कि ये ट्रेंड, आप लोग कोई भी इंडिकेटर लगाइए, जो ट्रेंड आप लोग को सही तरीके से स्क्रीन कर लेंगे, कोई भी सेटअप आप लोग यूज़ कीजिए तो इसको आप लोग को पॉजिटिव दिखाएगा। और ऑप्शन चेन में देखिए इधर 340 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इधर नेगेटिव चेंज इन प्राइस, स्लाइटली पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, और इधर 300 में इसका सपोर्ट है, इसका नेगेटिव चेंज इन प्राइस एंड नेगेटिव बहुत नेगेटिव है। और थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड सिचुएशन से थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है,
जितना ही ये सस्टेन कर पा।